अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से बच्चे ही होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि बेहतरीन मिट्टी कैसे तैयार करें प्लांट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो मैं मिट्टी तैयार करूँगी उसमें आप सीड्स लगा लें या फिर कटिंग्स लगा लें या फिर प्लांट लगाएं, कुछ भी लगाएं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा और आपको जल्द से जल्द फर्टिलाइज़र देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरा चैनल माई हाउस गार्डन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये है मेरा किचन वेस्ट। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको नज़र आ रहा होगा ये लौकी के पिल हैं, ये नींबू के छिलके वगैरह वगैरह जो भी किचन से निकलता है वो मैंने यहाँ जमा किया है। और फिर इसके ऊपर से मैंने इसको पॉट, मैंने वैसे तो इसको पॉट में ही कर लिया है, अब इसके ऊपर मिट्टी की लेयर कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये तो मिट्टी की लेयर मैंने कर दी है, इसमें मिट्टी ऊपर से डाल दी है इन छिलकों के। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा गोबर भी इसमें ऊपर से डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें गोबर की लेयर बना दी है। फर्स्ट में मैंने जो किचन वेस्ट था वो किया है इसमें, फिर से मिट्टी की लेयर, फिर से ये गोबर की लेयर एंड अब फिर ऊपर से एक मिट्टी की लेयर फिर कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने मिट्टी की लेयर भी कर दी है गोबर के ऊपर से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा पॉट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें क्या तो सीड्स भी लगा सकते हैं या फिर कटिंग्स भी लगा सकते हैं या फिर अपना प्लांट भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और ना ही हमें ये टेंशन होगी कि हमें फर्टिलाइज़र देना था और हमारा प्लांट ख़राब हो गया। ऐसा कुछ नहीं हो, बहुत अच्छे से आपका प्लांट ग्रो करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यही थी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।